हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश मालवीय और आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश ज्ञान चैनल में। आज हम मे के विषय में, मॉडल वर्ब मे के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए देखते हैं। मे का शाब्दिक अर्थ होता है सकना। पहला इसका यूज है आज्ञा मांगने या देने के लिए, लेकिन फॉर्मल तरीके से, औपचारिक। जैसे यू मे गो नाउ। अब देखिए, इसका अर्थ होता है आप जा सकते हैं यदि चाहें। और अपन ने कैन के वीडियो में चर्चा की थी कि इसके लिए कैन भी यूज हो सकता है आज्ञा देने के लिए। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस यह है कि इसका अर्थ होगा आप जा सकते हैं और बिल्कुल ही जाइए। लेकिन इसका अर्थ है आप जा सकते हैं यदि चाहें। इसका तात्पर्य है कि आप जाइए। तो यहां पर कैन और मे का डिफरेंस क्लियर हुआ। आगे है, स्टूडेंट्स मे नॉट ब्रिंग एनी बुक और पेपर इन द एग्जामिनेशन हॉल। विद्यार्थी कोई भी पुस्तक या कागज परीक्षा हाल में नहीं ला सकते हैं। तो इस तरह से यह आज्ञा दी गई है तो स्टूडेंट्स को। आगे देखते हैं, दूसरा प्रयोग है संभावना, लेकिन संभावना में अनिश्चितता रहेगी। इट मे स्नो हियर टुमारो। यहां पर कल बर्फ पड़ सकती है। इट मे स्नो हियर टुमारो। जरूरी नहीं है कि बर्फ पड़ेगी। अब इसको कैन के संदर्भ में देखते हैं। कैन में भी अपन ने इस बात का जिक्र किया था कि संभावना में कैन का यूज हो सकता है, लेकिन सामान्य संभावना, जनरल पॉसिबिलिटी, सामान्य संभावना हो। सामान्य संभावना से तात्पर्य कि जिसमें बहुत से लोग शामिल हों या बहुत से स्थानों या किसी अलग तरह के समय का बोध हो, जो कि डिफरेंट हो। इट कैन स्नो हियर इन द विंटर। अब यहां पर ये शब्द विंटर आया है, यहां पर देखते हैं, यहां पर टुमारो आया, टुमारो श्योर है ये जो समय अवधि। यहां पर ये विंटर है तो ये कौन से विंटर की बात हो रही है? जनरली हो रही, जनरल पॉसिबिलिटी है, किसी भी विंटर में यहां पर बर्फबारी हो सकती है। यहां पर है कि कल बर्फबारी होने की संभावना छोटी है, लेकिन उसमें भी अनिश्चितता रहती है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। ही मे कम टूडे, वह आज आ सकता है, उसके आने की संभावना है। कैन के संदर्भ में इसको देखते हैं, ही कैन कम एनी डे। अब यहां पर जनरल पॉसिबिलिटी में एट मैनी टाइम्स का जिक्र हुआ था पिछले वीडियो में। तो समय क्लियर नहीं है, किसी भी दिन आ सकता है, इस कारण से कैन का प्रयोग, वह किसी भी दिन आ सकता है। यहां पर मे का प्रयोग गलत होगा अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स। और यहां पर मे का प्रयोग सही होगा, क्योंकि यह जनरल पॉसिबिलिटी ना होके स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी है, खास
आज के लिए कहा गया है, आज या कल या इस तरह से अगर कहा जाए। तीसरा प्रयोग है, तीसरा विशिष्ट प्रयोग है इच्छा या आशीर्वाद। तो इस पर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इच्छा या आशीर्वाद के लिए भी मे का प्रयोग होता है और निश्चित रूप से होता है, अन्य किसी चीज का नहीं होता। तो उदाहरण के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। मे अब जैसे ये एग्जांपल, मे गॉड ब्लेस यू, तो ऐसी स्थितियों में मे का स्थान सर्वप्रथम रहेगा, ये वाक्य की शुरुआत में लगेगा और प्रश्नवाचक की तरह व्यवहार नहीं करेगा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब या मॉडल स्टार्टिंग में आ जाए तो वह वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में वो प्रश्नवाचक नहीं बनेगा बल्कि वह इच्छा या आशीर्वाद को दर्शाएगा। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिए। तो ऐसी स्थिति में ये मे यहां पर स्टार्टिंग में आ जाएगा और यहां पर कैन आदि का उपयोग नहीं हो सकता। तो ये तीन अति महत्वपूर्ण प्रयोग थे मे के संबंध में। तो आशा करते हैं कि आपको दी गई जानकारी क्लियर हुई होगी, और अगर लगता है कि कुछ सीखने को मिला तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक्स।